कठुआ जिले के बनी सब डिवीजन में बैसाखी मेला विधिवत संपन्न हो गया। आपको बता दें कि इस दो दिवसीय मेले में हजारों की संख्या में लोग उमड़े और लोगों ने मेले का खूब आनंद भी लिया। मेले में आपको बता दें कि रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। इसके साथ ही बनी के पूर्व विधायक जीवन ललहाल, कठुआ जिले के DDC चेयरमैन कर्नल महाल सिंह और BDC भी नाचते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें मेले का शुभारंभ DIG शक्ति पाठक द्वारा किया गया। इस दौरान DIG शक्ति पाठक ने मेले के आयोजकों की और SDM बनी की खूब तारीफ भी की। मुझे बताया कि मेला है और मेले में आपको आना है, वैसे तो मैं इनको मना कर भी नहीं सकता था, पर बनी का कारण था तो इसलिए और भी मना नहीं कर सकता था। पर मुझे ये लगा कि जितने सच्चे मन से ये काम को करते हैं, अंजाम देते हैं, उसकी सच्चाई का और उसकी मेहनत का आज मुझे इसका एहसास भी हुआ। आप सभी ने उनका सहयोग भी किया है और मुझे लगता है कि आगे भी करते रहेंगे और करते रहेंगे। ये सतीश जी और भी ज्यादा अच्छे मुकाम के ऊपर बनी पहुंचे, मुझे लगता है कि उसके प्रयास सतत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल अनोखा है, ये बहुत अच्छा है। बैसाखी मुझे यहाँ तक ध्यान में है कि बहुत पहले कुछ ऐसे मेले हुआ करते थे, लेकिन आज जहाँ जहाँ पे मैंने पहले देखे हैं वो मेले अब किसी और फॉर्म में चले गए हैं, लेकिन उसको ओरिजिनल फॉर्म में देखने का मौका मिला यहाँ पर बने में। दूर गांव से लोग आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, महिलाएं आई हैं, तो जो उसकी सैंक्टिटी होती थी वो मेले की पूरी सैंक्टिटी यहाँ पर देखने की। दो दिवसीय बैसाखी मेले में स्थानीय कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया। लोग भी हजारों की संख्या में इस मेले में शामिल हुए और खूब आनंद लिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इस दौरान मेले में सरकारी स्कीमों को भी लगाया गया था ताकि लोगों को सरकारी स्कीमों के प्रति जागरूकता मिल सके और वे उन सभी सरकारी स्कीमों का लाभ उठा सके। जबकि SDM सतीश शर्मा ने मेले के आयोजकों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर अपने कल्चर को बचाए रखना कोई बनी के आवाम से सीखे। बनी की कमेटी, मेला कमेटी, बैसाखी मेला कमेटी पिछले 5-7 साल से बैसाखी का मेला करवा रही है। बैसाखी के मेले की भीड़ को देखते हुए और जितने सही तरीके से, जितने गंभीरता से इनकी कमेटी के मेंबर्स काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि 2-4 साल के अंदर अंदर ही हमारी जो बनी का बैसाखी मेला है ये बड़ी प्रसिद्धि हासिल कर लेगा। जम्मू हम यहाँ पे आए हैं मेले के साथ साथ, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी गवर्नमेंट की स्कीम्स के स्टॉल लगवाए हुए हैं, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हो, ICDS से रिलेटेड हो, आयुष डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो। वो स्टॉल लगाने का मकसद एक ही था कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे, एक ही ग्राउंड के अंदर इतनी तादाद में जब लोग मिलेंगे तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उस स्टॉल के जरिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका लाभ जरूर लीजिए, उसको सीखिए, उसको पढ़िए और उसको अमल जमा पहुंचाने के लिए जो भी संबंधित अधिकारी है वहां पे अप्रोच करिए। इस बैसाखी मेले में हिमाचल के प्रसिद्ध गायक सुनील राणा भी मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने मेले में आए लोगों को अपनी गायकी से मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं बनी प्रशासन द्वारा इस दौरान कई लोगों को सम्मानित भी किया गया।